क्या गाइस आप लोग सीएस रैंक में नुब्रा बंदा लाना चाहते हो? क्या आप लोग हर गेम हारते हो? तो देखो गाइस, मैं ना आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग जो कैसे सीएस रैंक में नुब्रे बंदे लाओगे। अब देखो गाइस, नुब्रे बंदे लाने के लिए आप लोग करना क्या पड़ेगा, क्या ट्रिक होता है लाने के लिए, आप लोग कैसे ला सकते हो ना, मैं आप लोगों को इस वीडियो में हर एक चीज बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो गाइस आप लोग वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और गाइस आप ये ट्रिक को यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे बंदे ना वीडियो को भगा भगा कर देख लेता है, तो देखो अगर आप लोग इस तरह करोगे तो भाई आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर आप जो अभी तक ग्रैंड मास्टर नहीं गए हो, इसका मतलब गाइस आप लोगों का हर गेम क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होने का कारण क्या है, आप लोग जो सामने आप लोगों के सामने क्या होता है, अच्छे बंदे आता है और आप लोगों को मार देता है और आप लोगों का गेम माइनस हो जाता है और सामने वाले का प्लस हो जाता है। तो देखो गाइस आप लोग क्या गलती करते हो जिससे आप लोगों के सामने प्रो आता है, नुबड़े बंदे क्यों नहीं आता है। अब देखो जो अच्छे बंदे होता है ना भाई, वो मतलब क्या करता है, सामने नुबड़े बंदे ला के क्या करता है, गेम को भूया करता है और उसका हमेशा प्लस होते रहता है और बंदा ग्रैंड मास्टर जाता है, रीजन पे भी जाता है, बहुत ज्यादा प्लस भी करता है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जो किस तरह सीएस रैंक में नुबड़े बंदे ला सकते हो, आप लोगों के लिए उसके लिए करना क्या पड़ेगा। सो गाइस इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इस अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और गाइस चैनल पे नए आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। देखो गाइस अगर आप लोग जो सीएस में नुबड़े बंदे लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्या ट्रिक है, आप लोग कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप लोग वीडियो को यहां से ध्यान से देखो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अभी देखो गाइस अभी गेम में जो अपडेट आया है ना भाई, इसका मैच मेकिंग एकदम अलग ही है, ठीक है। मतलब गाइस जिससे आप लोग गेम स्टार्ट करोगे ना, तो पहले जो स्टार्ट होने का तरीका था ना वो अलग था, ठीक है। अभी का स्टार्ट करने का तरीका नहीं है, बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। मतलब गाइस आप लोगों का रैंक कितना भी हो, मतलब आप लोग जो है 99 भी स्टार्ट करके रखे हो या 999 करके रखे हो, 1000 तक करके रखे हो, 1000 होता नहीं लेकिन 1 स्टार कम होता है, आप लोग उतना करके रखे हो, अगर आप लोगों का 50 स्टार है ना, फिर भी आप लोगों को 999 वाले से मैच मेकिंग लग जाएगा, ठीक है। अभी कुछ इस तरह का यहाँ पे मैच मेकिंग का सिस्टम है। तो देखो गाइस यहाँ पे सिस्टम मतलब क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को, बहुत ही खतरनाक है। जिससे आप लोग गेम में स्टार्ट करोगे ना तो बहुत जल्द गेम लगता है, मतलब आप लोगों को वहाँ पे मतलब मैच मेकिंग का टाइम यहाँ पे 10 देता है एस्टिमेट टाइम, और इतना जल्दी मैच लगता है ना भाई, आप लोग भी कंफ्यूजन में रहते हो भाई कैसे लग गया यार। देखो गाइस ये मैच मेकिंग का सिस्टम मतलब काफी नेक्स्ट लेवल है और गाइस बहुत जल्द गेम मतलब गेम में स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी मैच मेकिंग लग जाता है। पहले थोड़ा लेट होता था तो गाइस बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता था, अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। आप लोगों का जितना भी रैंक रहे, कम रहे, ज्यादा रहे, उससे मतलब नहीं है, आप लोगों का गेम बहुत जल्द लग जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग जो कैसे सीएस रैंक में नुबड़ा बंदे लाओगे उसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को एक टिप्स दे दूं गाइस, आप लोग मतलब सीएस रैंक में नुबड़े बंदे किस तरह ला सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आप लोग जो स्क्वाड में गेम खेलते हो ना भाई, तो देखो अगर आप लोगों का रैंक 50 है ना, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है गाइस, आप लोगों का रैंक के हिसाब से बंदे को क्या करना है, ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप लोगों का रैंक 50 है तो भाई आप लोग 60-70 या आप लोग ज्यादा स्टार वाले को मत ऐड करना, नहीं तो गाइस क्या होगा, जिसे मतलब ज्यादा स्टार वाले को ऐड कर दोगे, एक बंदे को भी कर दोगे ना, तो सामने ज्यादा स्टार वाले बंदे आ जाएगा और गाइस आप लोगों को हरा देगा। तो देखो गाइस अगर आप लोगों के पास स्टार जितना ना मतलब उसके हिसाब से उसके आसपास में ही करना है, तभी क्या होगा गाइस सामने मतलब उसके हिसाब से बंदे आएगा और गाइस आप लोग गेम जीत सकते हो। ये थोड़ा पहला ट्रिक और गाइस यहां पे नुबड़े बंदे लाने का मेन चीज ये गाइस, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो गाइस यहां पे जो अच्छे बंदे होता है ना गाइस, वो क्या करता है, सीएस रैंक खेलता है ना, तो वो सिर्फ बरमूडा मोड खेलता है, ठीक है। अब जो अच्छे बंदे हो जैसे कि मैं खेलता हूँ तो मैं सिर्फ बरमूडा मैप खेलता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या ट्रिक लगाना है जिससे सीएस रैंक में नुबड़े बंदे आएगा, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, जितना सीएस रैंक का मैप है ना गाइस उसको डाउनलोड करना है। जैसे कि एक है बरमूडा, एक है नेक्स्ट्रा, एक है प्रोग्रेटी और एक कलहारी। तो गाइस आपको क्या करना है, ये 4-5 मैप है, आपको इस सबको डाउनलोड कर लेना है। और गाइस डाउनलोड करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको सिंपली रेंडम मैप पे क्या करना है, गेम को स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा गाइस, जैसे कि देख लो यहाँ पे जो अच्छे बंदे होते हैं वो सिर्फ बीआर खेलता है, मतलब सीएस रैंक में बस बीआर मतलब मैप खेलता है, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट्रा हो गया, कलहारी हो गया, प्रोग्रेटी हो गया, ये सब नहीं खेलता है। आप लोग ये सब मैप डाउनलोड करके रखोगे तो गाइस क्या होगा, नेक्स्ट्रा अगर लगेगा तो उसमें अच्छे बंदे नहीं आएगा, नुबड़े बंदे आएगा, और गाइस प्रोग्रेटी भी लगेगा तो उसमें भी नुबड़े बंदे आएगा, और कलहारी लगेगा ना उसमें भी नुबड़े ही बंदे आने वाला है। तो आपको सिंपली क्या करना है गाइस, सारी मैप डाउनलोड करके उसके बाद रैंडम मैप पे क्या करना है, गेम को स्टार्ट करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा गाइस, आप लोगों का यहाँ पे ज्यादा रैंक प्लस होगा और गाइस सामने नुबड़े बंदे आएगा, खुद मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। अब देखो गाइस यहाँ पे कुछ गेम होता है जिसको आप लोग हार सकते हो, मतलब आप लोग कितना भी अच्छा खेलो आप बिल्कुल हार जाओगे। अब गाइस वो क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों का टीम अच्छा नहीं खेलता है गाइस। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लो गाइस, मैंने 19 किल किया था फिर भी गेम में हार गया, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरा
टीममेट लोग खेला ही नहीं, एक बंदे यहाँ पे दो बंदे एक किल किया, एक बंदा कुछ किया ही नहीं है, मतलब गाइज ऐसा मतलब होता है। तो गाइज आप लोग अच्छी टीम लेके खेलना, जिससे क्या होगा गाइज आप लोगों का ना गाइज क्या होगा यहाँ पे हर गेम बुआ होगा। तो आप लोग अच्छी टीम लेके खेलना, नहीं तो गाइज आप लोग 10-20 किल भी कर दोगे फिर भी आप लोगों का टीममेट नहीं अच्छा खेलेगा तो आप लोग गेम हार जाओगे। तो गाइज ये ध्यान रखना, आप लोग अच्छे थोड़ा टीम लेके गेम खेलना। बाकी गाइज आपको क्या करना है, रेंडम मैप पे खेलना है जिससे नूबड़े बंदे गेम में आएगा, ठीक है। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। और गाइज फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक गाइज आप लोग अपना ख्याल रखना है। बाय गाइज।